नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग के साथ। देहरादून से खबर है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी। आज दिल्ली में होगा इन्वेस्टर समिट का रोड शो। निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए मुख्यमंत्री करेंगे आमंत्रित। हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर करार होने की संभावना। पुराने निवेशकों से भी संपर्क करेगी सरकार। दिसंबर महीने में होने जा रहा है इन्वेस्टर्स समिट। सीएम धामी ने किया था ब्रिटेन का दौरा। ब्रिटेन के निवेशकों से हुई थी मुलाकात। बारह हजार पांच सौ करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर सहमति। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी। आज राजधानी दिल्ली में होगा मुख्यमंत्री का रोड शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल शाम राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज रोड शो का आयोजन होगा। और इसी खबर पर देहरादून से संवाददाता अभय कैतरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से मुख्यमंत्री कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, आज रोड शो का आयोजन किया जाएगा, कई इन्वेस्टर से मुलाकात भी होगी, क्या कुछ खास होने वाला है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज निवेशकों से बातचीत करेंगे। दिल्ली में उनका ताजमहल से रोड शो होगा और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक उत्तराखंड में आ सके। उसके लिए अभी से ही जो राज्य सरकार के जो प्रयास है उनको मजबूत करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश सरकार की यही है कि आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टर समिट यहाँ पर होना है, उस इन्वेस्टर समिट को सफल बनाया जा सके। 2.5 लाख करोड़ के जो निवेश का लक्ष्य सरकार ने चुना, उस निवेश को प्राप्त किया जा सके। जी बिल्कुल। इसके साथ ही साथ अभय, माना यह भी जा रहा है कि पुराने जो निवेशक उत्तराखंड में निवेश करते थे, उनसे भी बातचीत की जाएगी ताकि एक बार फिर से उनको रिवाइव किया जा सके। जी बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन सभी निवेशकों से इस समय बातचीत करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा जो राज्य में निवेश करने के इच्छुक हैं, राज्य में निवेश करना चाहते हैं। और उसके लिए कोशिश सरकार की यही है कि जो नीति है, उन नीतियों को यहाँ पर सरलीकृत किया जाए ताकि जो निवेशक यहाँ पर आए, उन्हें बेहतर माहौल यहाँ पर दिया जा सके। जी अभी इसके अलावा जानकारी ये भी है कि राजधानी दिल्ली के अलावा भी अलग अलग राज्यों में ये रोड शो किए जाएंगे ताकि दिसंबर से पहले ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को रिझाया जा सके। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अभी ब्रिटेन के दौरे से लौटे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने दिल्ली से लेकर लंदन तक ये लगभग 19.5 करोड़ से ज्यादा के निवेश वहाँ पर निवेश किए हैं, MOU साइन किए हैं। अभी आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिंगापुर या फिर दूसरी जगहों पर भी रोड शो यहाँ पर कर सकते हैं ताकि राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश यहाँ पर आ सके। कोशिश सरकार की यही है कि जो नीति बनाई गई है इन्वेस्टर समिट के लिए, सम्मेलन की जो नीति बनाई गई है, उस नीति पर अमल किया जा सके, यहाँ पर निवेशक ज्यादा से ज्यादा आ सके, राज्य सरकार प्रयासों को यहाँ पर सफलता मिल सके। उसके लिए कोशिश राज्य सरकार यही कर रही है कि जो लक्ष्य चुना, उस लक्ष्य को पाया जा सके। इस बार ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लिया है, एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाया है कि जब दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट यहाँ पर होगा, उससे पहले ही धरातल पर एक बड़ा जो निवेश होगा, उस निवेश को उतारने का काम यहाँ पर किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश यहाँ पर हो सके, निवेशकों के लिए बेहतर माहौल यहाँ पर मिल सके। निवेश जो यहाँ पर आएंगे उनके लिए बेहतर माहौल देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो कोशिश राज्य सरकार की है और उस दिशा में राज्य सरकार लगातार आगे भी बढ़ रही है और लगातार यही प्रयास यहाँ पर कर रही है कि जो निवेश है, जो निवेशक हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा आमंत्रित किया जा सके। बड़े जी, अभी इसके अलावा देश की बात, विदेशों की तो जानकारी आपने दी है। देश की हम बात करें तो मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और उसके साथ ही साथ माना जा रहा है कि फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे नवंबर के महीने में। और ये तमाम जो एस्पेक्ट्स निकल कर सामने आ रहे हैं, उन्हें जहां जहां लग रहा है कि निवेश आ सकता है, वहां संपर्क करने की कोशिश की जा रही है।
जी बिल्कुल, निवेशकों से सीधे तौर पर इस बात की बातचीत यहाँ पर राज्य सरकार कर रही है कि उत्तराखंड में जो नए डेस्टिनेशन है उन नए डेस्टिनेशनों को डेवलप किया जा सके, उसके लिए प्रयास यही है कि उत्तराखंड में जो इस समय काम कर रहे हैं जो राज्य सरकार की जो नीतियाँ हैं उन नीतियों को यहाँ पर फलीभूत किया जा सके। जी जी बिल्कुल अभय, तो लगातार जिस तरह से यहाँ पर रोड शो होने वाला है आप नजर बनाए रखिएगा, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आपको जानकारी हम दे रहे थे कि मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली कल ही पहुंच चुके हैं, उसके साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री का रोड शो राजधानी दिल्ली में होने वाला है। दिल्ली, बैंगलोर के अलावा मुंबई में भी जाएंगे, हैदराबाद भी पहुंचेंगे, और विदेशों की यदि हम बात करें तो अबू धाबी आने वाले समय में पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री, साथ ही साथ इंडोनेशिया भी जा सकते हैं, कई और कंट्रीज में भी जा सकते हैं। दिसंबर माह में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद अपने हाथों में जिम्मेदारी और ये कमान ले रखी है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को लाने का प्रयास दिसंबर से पहले उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जा रहा है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर देहरादून से सामने आ रही है, लोक निर्माण विभाग अभियंता पर लगाया जुर्माना, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाया 20,000 रुपए का जुर्माना। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाया 20,000 रुपए का जुर्माना। 11 पुलों की मरम्मत के लिए स्वीकृत किया गया था टेंडर, 11 पुलों की मरम्मत के लिए स्वीकृत किया गया था टेंडर, टेंडर निरस्त करने का आदेश हाईकोर्ट ने किया खारिज, टेंडर निरस्त करने का आदेश हाईकोर्ट ने किया खारिज। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी आलोक कुमार वर्मा की पीठ में सुनवाई, टेंडर निरस्त करने का आदेश हाईकोर्ट ने किया खारिज। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी आलोक कुमार वर्मा की पीठ में सुनवाई। लोक निर्माण विभाग अभियंता पर लगाया गया 20,000 रुपए का जुर्माना। नियमों के आधार पर टेंडर ना डालने पर लगा है जुर्माना, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाया है 20,000 रुपए का जुर्माना। 11 पुलों की मरम्मत के लिए स्वीकृत किया गया था टेंडर, टेंडर निरस्त करने का आदेश हाईकोर्ट ने किया खारिज। और इसके बाद बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। देहरादून से अगली ब्रेकिंग है, दूर होगा नर्सिंग अधिकारियों का संकट, दूर होगा नर्सिंग अधिकारियों का संकट। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में होगी नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती, प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में होगी नर्सिंग स्टाफ की भर्ती। 1383 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती का रास्ता हुआ साफ, उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना जारी। अंकों के आधार पर आरक्षण का पालन कर होगा चयन, 80% महिला और 20% पुरुष अभ्यर्थियों का होगा चयन। तो नर्सिंग स्टाफ की भर्ती को लेकर रास्ता साफ निकलकर सामने आया है, बताया जा रहा है कि 80% महिला और 20% पुरुषों की भर्ती की जानी है। दूर होगा नर्सिंग स्टाफ का संकट, प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में होगी नर्सिंग स्टाफ की भर्ती, प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में होगी नर्सिंग स्टाफ की भर्ती। 1383 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती का रास्ता हुआ साफ, 80% महिला वही 20% पुरुषों का होगा चयन। अंकों के आधार पर आरक्षण का पालन कर होगा चयन, 80% महिला 20% पुरुषों का होना है चयन। उत्तराखंड में प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में होगी नर्सिंग स्टाफ की भर्ती, और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में आगामी 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक 6वां वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसका खुद धामी व्यवस्थाओं को लेकर नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे, लेकिन प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसे भाजपा और राज्य सरकार का ब्लफ
बाजी बता रहे हैं। उनकी माने तो उत्तराखंड एक आपदा प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार उत्तराखंड को एक उदाहरण बनाकर यहां पर सम्मेलन कर रही है और वो आपदा से पीड़ित परिवार है, उनको राज्य सरकार मदद नहीं दे पा रही है। तो वहीं उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता करण महारा ने हरीश रावत और यशपाल आर्य का कहना है कि पहले सरकार की प्राथमिकता पीड़ितों को मुआवजा देना और राहत देना होना चाहिए था, न कि ऐसे सम्मेलन कर पीड़ितों को दुख और मजाक उड़ाना। यहाँ 17 लोग करंट लगने से मर जाते हैं चमोली में, यहाँ केदारनाथ के नीचे 23 लोग बह के मर जाते हैं, 40 से ज़्यादा लोग सड़कों के किनारे चट्टाने गिरने से मर जाते हैं, जिसमें टिहरी के चंबा से लेकर अनेकों, उत्तरकाशी से लेकर अनेकों घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 40 से ज़्यादा लोग चट्टाने गिरने से मर जाते हैं, जहाँ बाढ़ में फसलों के साथ साथ दुकान छोटी छोटी दुकानों का माल खराब हो जाता है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती हरिद्वार क्षेत्र में। तो ऐसे में वहीं आदमी सीखने के लिए जाता है जहां इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, और उत्तराखंड को जो है आपदा ग्रसित और आपदा से पीड़ित राज्य के रूप में देखा जाता है, इसीलिए यहां ये जो मीट की जा रही है इसलिए करी जा रही है। आपदा प्रबंधन, आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। आज भी जो मुख्य मार्ग हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, जो आपके स्टेट हाईवे हैं, जो जिला मार्ग हैं, सब बंद पड़े हुए हैं, आवाजाही बंद है। जोशीमठ, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ का जो सीमांत क्षेत्र है धारचूला में भयावह स्थिति है, और सरकार ने ऐलान किया था कि जोशीमठ के लिए हम 1,000 करोड़ का पैकेज देंगे, लेकिन आज तक उन प्रभावित परिवारों को कहीं पुनर्वास नहीं हुआ है, कहीं आर्थिक इमदाद नहीं दी गई है। आपदा के का कितना सम्मान करते हैं पीड़ितों का, ये तो इस बात से दर्शाई जाती है, जिनका चारा खत्म हो गया, धान खत्म हो गया, गन्ना खत्म हो गया, उनको 1 बीघे में 1100 रुपया जो है आर्थिक सहायता दी जा रही है। जो अपमान है किसानों का, ये दलितों का अपमान कर रही है, उनका मान मर्दन कर रही है, ये किसानों का अपमान कर रही है, नौजवानों का अपमान कर रही है, ये महिलाओं का अपमान कर रही है, जो अंकिता आदि प्रकरणों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये तो हर किसी के विरोध में है, मजदूरों के विरोध में है, इंसानों के विरोध में है। जो आज की व्यवस्था है ये कुछ पूंजीपतियों की के हाथ में है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, करोड़पति खरबपतियों की सरकार है, गरीबों से इनका कोई वास्ता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर्स समिट को लेकर जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत मंगलवार शाम को दिल्ली रवाना हो गए। इस दौरान बुधवार को दिल्ली में रोड शो भी प्रस्तावित है। तो वहीं कांग्रेस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर प्रदेश के हालात सुधारने की बात की है, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को पहले उद्योगपतियों के लिए उत्तराखंड का वातावरण, पानी, सड़कें, लॉ एंड ऑर्डर सहित प्रदेश के विभागों की कार्यप्रणाली को सुधारना होगा। और भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि जोशीमठ आपदा, अंकिता भंडारी मर्डर केस, पेपर लीक प्रकरण, बेरोजगारी जैसे मामलों को ढकने के लिए भाजपा इन्वेस्टर्स समिट करने जा रही है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। सरकार के लिए निराश्रित गौवंश एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि राज्य में वर्तमान समय में करीब 17,500 निराश्रित गौवंश है, जिसके चलते न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि पशु हानि होने के साथ ही साथ सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिसको देखते हुए पशुपालन विभाग, शहरी विकास विभाग और पंचायती राज विभाग की ओर से निराश्रित गौवंश को सड़कों से उठाकर गौशालाओं में भेजा जा रहा है। हालांकि पिछले 3 दिनों में करीब 300 पशुओं को सड़क से उठाकर गौशालाओं में आश्रय दिया गया है। उत्तराखंड में सत्ताधारी पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही लोकसभा चुनावों में 5 सीटों पर जीत का दावा कर रही हैं। एक ओर जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा दावा कर रहे हैं कि बागेश्वर उपचुनाव भाजपा ने सहानुभूति के आधार पर जीता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जनता इस बार कांग्रेस को चुनेगी और 5 सीटों पर जीत कांग्रेस हासिल करेगी, तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि हम सिर्फ जीत का दावा नहीं कर रहे बल्कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल करने का दावा करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में एक बार फिर से राज्य में 5 सीटों पर कमल खिलाकर जीत हासिल करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी के नेतृत्व में रोड शो किया जा रहा है। बता दें कि रोड शो दिल्ली के ताज पैलेस होटल में शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि रोड शो करके राज्य में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा, तो वहीं दिसंबर में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी होना है, जिसके लिए सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। कल शाम को ही राजधानी दिल्ली पहुंच चुके थे। देहरादून भवन में विश्राम करने के बाद आज बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इन्वेस्टर्स समिट को लेकर रोड शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली के तमाम बिल्डर्स को साथ ही साथ बिजनेसमैन को इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित किया जाएगा और उत्तराखंड में निवेश के लिए उन्हें प्रपोजल दिया जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर महिलाओं के सम्मान और उनके सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार के द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक की राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुभकामनाएं भी दी है। इसके अलावा दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की गई। हरिद्वार क्षेत्र के खानपुर विधानसभा के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार मंगलवार को देर शाम डोईवाला पहुंचे और रोड शो कर लोगों से मुलाकात की। रोड शो के बाद निर्दलीय विधायक उमेश कुमार सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेका। गुरुद्वारे के प्रधान गुरदीप सिंह ने विधायक को सरोपा पहनाकर उन्हें सम्मानित भी किया, जिसके बाद निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की और 2024 में हरिद्वार में लोकसभा के लिए लोगों से जनता का सांसद चुनने के लिए समर्थन मांगा। कार्यक्रम में अब्दुल हमीद, विजय बख्शी, मनीष श्रीमान और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तमाम लोगों ने विधायक का आगमन पर स्वागत किया। सभी को मालूम है कि यहाँ के क्षेत्र से चाहे वो सांसद रहे हों, चाहे वो मंत्री रहे हों, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, उन्होंने डोईवाला की तरफ पलटकर कभी नहीं देखा जीतने के बाद, लेकिन हारने के बाद वो दोबारा इन्हीं के चरणों में वापस आए। लेकिन यहाँ की जनता ने जिसे एक बार नकार दिया दोबारा उसे चुना नहीं और आज यहाँ की जनता यहाँ के सांसद को नकार चुकी है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और यहाँ की जनता पीड़ित भी है, क्योंकि मैंने बहुत करीब से डोईवाला को देखा है, बहुत करीब से यहाँ की पीड़ा को समझा है।
रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड में सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। बता दें कि एसडीआरएफ ने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि कैंटीन में कुल 6 सिलेंडर रखे हुए थे, जिनमें से 2 सिलेंडर फट गए। हालांकि सिलेंडर फटने से कोई जनहानि नहीं हुई है। तो वहीं एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू के द्वारा बचाव इकाइयों के साथ संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाते हुए आग पर काबू पाया है। बचे हुए आवश्यक सामान को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर आज धामी का रोड शो होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही समय में कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। Doing a small scale has its advantages also. Our honorable president, the members of his cabinet, and the entire bureaucracy are all easily available for contact and getting it further. So I request all of you to follow the presentation, and then in case of any queries, we will be very happy to answer your queries. Thank you, sir, for sharing these informative insights. I'm sure the audience is filled with curiosity to learn about the benefits and incentives offered to the investors today. Also, I would like to inform you of the barcodes that we've kept on the table, on each table. There are 2 barcodes here. Once you register your intention to invest, so once you fill in your information, officials will follow up with you. And the other barcode is for information regarding summit, future events, investable projects and policies. This will land you on the website directly. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।